हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। तो फाइनली गेट एकेडमी 2.0 अपने आप को प्रूव करता हुआ, और ये हमारे अपने लाइफ का जितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, मेरे को लगता है कि पूरे हमारे 17 साल के करियर का सबसे बेस्ट रिजल्ट इस साल का। मैं हमेशा बेस्ट रिजल्ट उन बातों को बोलता हूँ जब बहुत सारे ग्रुप में लोग अच्छा परफॉर्म करते, और मेरे को लगता है कि इस ऑनलाइन वर्ल्ड में हमसे बेटर रिजल्ट अभी किसी के पास नहीं होगा। अभी तो मैं देख रहा हूँ तो लोग ज़्यादा कुछ अपना रिजल्ट दे नहीं पा रहे, और हमारे पास कंटिन्यूसली हर एक मिनट में रिजल्ट क्रिएट होते जा रहा है, रिजल्ट देते जा रहे, लोग अपना खुद का स्कोर कार्ड भेजते जा रहे, पूरी टीम बिजी है सिर्फ लोगों के स्कोर कार्ड लेते हुए। कोई हमारा पेन ड्राइव है, कोई जी ड्राइव है, कोई वीओडी है, कोई लाइव क्लास हो है, कोई ऑफलाइन क्लास का है, अलग 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 कोर्सेज के लोग है, कोई टेस्ट सीरीज का है। तो इतने सारे लोग जिन लोगों का इतना प्यार है, उन सब लोगों को बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग थैंक यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ऑनलाइन वर्ल्ड में रिजल्ट आएगा कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑनलाइन को लोग तब बिलीव करेंगे जब ये रिजल्ट देगा। आप कितना भी कुछ बोल लो, खराब बोल लो, अच्छा बोल लो, कितना भी डायलॉगबाजी मार लो, बोल दो कि हम अच्छे, बोल दो कि वो खराब है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी कर लो, किसी के टीचर परचेस कर लो, किसी को ब्रेक करने की कोशिश कर लो, लेकिन फाइनली जो सच है वो तो सच है, और वो है रिजल्ट। तो मैं हमेशा रिजल्ट को उस बेस पे नहीं मानता हूं कि टॉप 10 में कितने लोग आ गए, टॉप 20 में कितने लोग आ गए। मेरे को लगता है कि ओवरऑल, चाहे वो टॉप 10 हो, टॉप 20 हो, टॉप 50 हो, टॉप 100 हो, टॉप 500 हो, टॉप 1000 हो, टॉप 2000 है, ये पूरा मास में रिजल्ट कैसे आ रहा है ये मैटर करता है। क्योंकि हम इतने सारे स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोग एवरेज रिजल्ट लाते हैं, बहुत सारे लोग फेलियर होते हैं, क्योंकि एग्जाम है तो फेलियर होगा। लेकिन ओवरऑल एक 1000 जिसका रैंक आया वो क्या फील करता है, जिसका 300 रैंक आया वो क्या फील करता है, जिसका 50 रैंक आया वो क्या फील करता है, जिसका टॉप 10 रैंक आया वो कौन है, वो स्टूडेंट है 2020 में अपने बी कंप्लीट किया है, 2021 में बी कंप्लीट किया है, क्या थर्ड ईयर के लोग भी गेट में स्कोर लाए हैं, क्या थर्ड ईयर के लोग भी क्या टॉप 200 में आए हैं, क्या थर्ड ईयर के लोग भी टॉप 500 में आए हैं, क्या कोई व्यक्ति एक महीने पढ़ के भी स्कोर कार्ड लाया है। ये पूरे पैरामीटर्स काम करते हैं, पता है, पूरे पैरामीटर्स काम करते हैं। और ये जो फील है और ये जो थ्रिल है, ये 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 हमको हमेशा यूनिक वे में रखता है। और पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को थैंक यू वेरी मच कि वो लोग खुद अपना स्कोर कार्ड भेजे, पूरी जर्नी बताए कि मैं कैसे अचीव किया इस जर्नी को, कैसे मैं आपका कोर्स कब लिया, कैसे मैं गेट एकेडमी से एसोसिएट हुआ। ये हम लोगों को ना एकदम मोटिवेट कर दिया है। अब हम लोगों को और फील आना चालू हो गया कि यस, हम सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। कोई कितना भी ट्राई कर लेगा, गेट एकेडमी है। कोई कितना भी खराब बोल देगा, गेट एकेडमी है। कोई कितना भी अपोज कर लेगा, गेट एकेडमी है। तो पूरी दुनिया एक साइड हो जाए और हमको अपोज करने की कोशिश करे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनको अपोज करेंगे, इनको क्यों लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, गेट एकेडमी को लोग क्यों प्यार करते, इसलिए प्यार करते, ये रिजल्ट है। अभी बाकी लोग का देखना पड़ेगा। तो रात को 11 बजे मैं आप लोगों से मिल रहा हूं, आज रात को 11 बजे मिलूंगा, रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। लगभग मेरे पास रात के 11 बजे तक जो रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 100 में कितने लोग हैं, टॉप 10 में कितने लोग हैं, टॉप 200 में कितने लोग हैं, टॉप 500 में कितने लोग हैं, टॉप 1000 में कितने लोग हैं, टॉप 1500 में कितने लोग हैं, टॉप 2000 में कितने लोग हैं, बताऊंगा मैं। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे सिलेक्ट करें कि कौन बेस्ट है। सभी लोग बोल रहे कि सर मैं बेस्ट हूं, सर जान रहे, सर मैं कितना गजब पढ़ाता हूं। हर कोई बोल रहा है कि देख रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो। ओवरऑल मेरे को लगता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। वो कैसे जज करेगा जब वो बहुत मास में रिजल्ट देखेगा और बहुत लोगों की स्टोरी सुनेगा। इसलिए मैं ना इस बार ना स्टोरी बड़ी बनाने वाला हूं, स्टोरी मैं पूरे लोगों से कनेक्ट करने वाला हूं। इसलिए जूम कॉल पे जितने भी वीडियो आ रहे मिस मत करो। जितने लोग भी 2022 और 2023 में गेट का एग्जाम देने वाले, मिस मत करो। पूरे वीडियोस को देखो, स्टूडेंट की फीलिंग को चेक करो, वो क्या बोल रहा है, वो कैसे पढ़ा था, वो शॉर्ट नोट्स बनाया था, वो नोट्स कैसे बनाया था, वो रिकॉर्डेड वीडियो को कैसे देखा, वो लाइव क्लासेस को कैसे देखा, वो वीओडी को वेब सीरीज समझता है कि नहीं, और गेट एकेडमी पे ब्लाइंड बिलीवर है कि नहीं, क्या वो किसी दूसरे को फॉलो किया, क्या उसको कभी जरूरत पड़ी किसी दूसरे की। ये पूरे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं बातों पर मैं हमेशा से फोकस रखता हूं, और एकदम बिंदासी से फोकस रखता हूं। तो आपको आज रात के 11 बजे मेरे साथ बने रहिए। जितने लोग भी क्रेज कोर्स के फॉलोअर थे, उनका अगर स्कोर कार्ड भी आया तो रात को 11 बजे मिलिए, अपन बात करेंगे, आगे आने वाली जर्नी के बारे में बात करेंगे, 2022 के बारे में बात करेंगे कि क्या प्लान है अपने। चाहे आपका कुछ भी हो,
आप अगर एक महीना पढ़ के भी अगर रैंक लाए थे, आपका हो सकता है 3000 रैंक आया हो, तो भी अपन बात करेंगे। आपका स्कोर कार्ड आया तो भी अपन बात करेंगे। ये गेट एकेडमी 2.0 है। बहुत सारे लोग अब ना थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चालू करेंगे, बहुत सारे लोग रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, और एकदम क्लियर कट बोल दे रहा हूं ना, एक भी रुपए मैं किसी को, कोई अगर रिजल्ट अच्छा लाया, मैं एक भी रुपए से किसी को परचेस ना आज तक किया हूं ना करूंगा। अभी भी बता दे रहा हूं, कोई रैंकर से तो किसी को अगर लगता है कि उसका रैंक आया है, वो कॉल करेगा और उसको लगता है, पैसे में हमारे पास कमी नहीं है, पैसे देना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, लेकिन एक भी रैंकर हमको कॉल ना करे पैसे के लिए। एक भी रैंकर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का, वो उनको क्रेडिट दे, भले चाहे वो बोल दे कि मैं आपका ये वीडियो फॉलो किया था, लेकिन हमसे कोई भी बार्गेनिंग ना करे, हमसे कोई पैसे की बात ना करे। नहीं चाहिए मेरे को पैसे की बात। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग बाकी लोग खरीद सकते हैं, बाकी लोग के पास बहुत पैसा है, हो सकता है बहुत सारा पैसा दे दे हो, बहुत सारा कुछ कुछ कर डाले हो, लोग लगे होंगे, उन लोगों के साथ आप जाइए। मेरे साथ जेन्युइन लोग जुड़े रहिए, मेरे साथ जेन्युइन, क्योंकि मैं इंडिया के स्टूडेंट लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरे को जेन्युइन वाला पार्ट चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम। तो रात को 11 बजे अपन जेन्युइन वाले पार्ट पे बात करेंगे। देखे तो जरा इतने सारे ऑनलाइन में, इतने सारे जो लोग पढ़ाते हैं उनके पास रिजल्ट क्या है, क्या वो जेन्युइन रिजल्ट है, और जो जिनका रिजल्ट है वो कौन है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, क्या वो 2020 पास आउट है, क्या 2019 पास आउट है, या 2012 में पास आउट था, या 2015 में पास आउट था। ओवरऑल जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वी आर गेटिंग इट में 2.0, ठीक है। आई एम टू हैप्पी, अच्छा फील कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट कम्युनिटी अच्छा जो रिजल्ट लेके आई है, उसके कारण मैं अच्छा फील कर रहा हूं कि मैं जो करता हूं वो सही जा रहा है। इट्स टू गुड, इसको मैं कैरी करते रहूंगा हमेशा। तो आज रात को 11 बजे का सेशन मिस मत कीजिएगा। बात तो करें पूरी दुनिया की कि ओवरऑल ऑनलाइन दुनिया में लोग इतना सारा फ्री एजुकेशन बोल रहे हैं, फाइनली क्या हो रहा है उस फ्री एजुकेशन का। कितने लोग बिंदासी से जूम कॉल पे आके सामने वाले के बारे में कितना बिंदासी से बोल पा रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को ना आप बहुत बोल नहीं सकते कि तू झूठ बोल देना, ये टफ है, इट्स वेरी टफ किसी के लिए भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी फीलिंग कैसे क्रिएट करेंगे, क्या बात करेंगे कि फीलिंग क्रिएट हो जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, कई लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा सर रिजल्ट आ गया। मैं बोल रहा हूं कि हमारा हर साल रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ इस बात की बात नहीं है, हर साल 17 साल से रिजल्ट दे रहा हूं मैं, और हर बार रिजल्ट बेटर आ रहा है। 2018 से बेटर रिजल्ट 2019 में आया, 2019 के रिकॉर्ड को ब्रेक करके 2020 आया, 2020 के आज रिकॉर्ड को ब्रेक करके 2020 का रिजल्ट आया है। और मैं चाहता हूं कि डे बाय डे मैं इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों को गाइड करूं, उनको पढ़ाऊं, क्योंकि मैं रिजल्ट डे बाय डे बेटर देना चाहता हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप में कितने लोग रिजल्ट लेके आए, मेरे को एक दो रिजल्ट से मैटर नहीं करता। एक दो रिजल्ट से क्या होता है यार, एक दो रिजल्ट तो तुक्के में भी आ सकते, 2-4-5 रिजल्ट तो तुक्के में भी आ सकते। क्या आपके पास 100-200 रिजल्ट है, 100-200 रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज रात को 11 बजे मिलेंगे तो बात करेंगे। बहुत सारी फीलिंग है मेरे पास बताने के लिए इस ऑनलाइन दुनिया में, बहुत कुछ हुआ इस एक साल में, इस एक साल की जर्नी में बहुत कुछ हुआ। तो रात को 11 बजे मिलते हैं, ठीक है, मिस मत करना आज का सेशन। ओके, थैंक यू।